लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लकी ने ये डिमांड रख दी थी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख ये उंगली भी अगर नहीं लगी ना तो फिर ये मत कहना कि मैं अगली उंगली भी ट्राई करके देखता हूँ, बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन करने वाला हूँ अभी, मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसने अपने स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता एक नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखें भी चमक आई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उससे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना सर, मैं इस ब्रांच में नया नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ, प्लीज़ आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज़ सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फ़ोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फ़ोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग ही अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते पर पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए, वरना उसके साथ वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैनेजर ने फिर से अपनी फोन पर उंगलियां फिराई और बोला। सर एक तो आपके खाते में एक फरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है सर, इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई हैं, 5 किलो सोने की 20 ईंटें, पिकासो की 3 असली पेंटिंग हैं, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर, मैनेजर ने हाफते हुए और अपने पसीने साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की आंखें तो बाहर ही निकल आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास था उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है चलो मुझे एक कार्ड दे दो तुम, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए सर, बस 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन पर फिर से उस मैसेज को खोल कर देखा उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था, इसलिए फिलहाल वो लकी को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा दिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल पे मिल जाएगा।
शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था कोई, और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर ये इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ए, रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाई और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे VIP रूम में घुसे चले जाने की, यास्मीन ने गुस्से में पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लकी का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, मैं यहां सिर्फ अपना पैसा लेने आया था और कुछ नहीं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने यह कार्ड कहीं अंदर से चुरा तो नहीं लिया, और इससे पहले कि वो यहां से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आ गए। ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डरा कर अपना नाम भी लिखवा लिया इस पर, इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उससे समझ क्या रही थी। अगर उसे उसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में कुछ कह पाता, एक गार्ड बोला, मैडम इसकी जेब में तो कुछ नहीं है बल्कि फटी हुई जेब है इसकी। तभी उसकी बात सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम हो सकता है ये इसी जेब में चाकू रख कर लाया हो और उसको निकालते वक्त उसी चाकू से इसकी जेब फट गई होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, दूसरे सिपाही ने अपनी लड़खड़ाती जबान में बोला। अरे पागल हो क्या, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो शशिका। इससे पहले कि लकी आके कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। इधर यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था तो फिर वो चला कहां गया था। बाप रे, अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई थी। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर, यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब, उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा है
और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं? यास्मीन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया, उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे, किसने किया? किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया। फिर लकी को उठाने के लिए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, आई एम रियली सॉरी सर। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना, ये किसने किया? इसने किया ये, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार्ड चुरा कर भाग रहा हूं, ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा। अचानक ही सब लोग थोड़ा पीछे हटकर यास्मीन को देखने लगे थे। यास्मीन घबराई हुई सी फर्श पर तो कभी छत को देखे जा रही थी। यास्मीन, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? शशिकांत ने यास्मीन को घूरते हुए गुस्से में पूछा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने कहा, सर, ये सब मेरी गलती है सर, ये मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, मुझे लगा कि ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती ये कार्ड बनवा लिया है और फिर आपको मार दिया है सर। यास्मीन ने घबराते हुए कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू ही आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो यास्मीन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने साथ खंबे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे, ये लक्ष्मण अग्रवाल है, लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि अगर न्यू सिटी बैंक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर ना इस पूरे एरिया को खरीद सकता है, शशिकांत ने यास्मीन से कहा। यास्मीन जैसे जैसे लकी को देखी जा रही थी, वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी चली गई, शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अभी अभी जो शशिकांत उसे बता कर गया था वो यास्मीन पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला तो नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने निराश होते हुए अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से ये कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहां पहुंचती होगी, अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने अपने आप से निराश होते हुए कहा। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अगर लकी सर ने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा दिया तो, यास्मीन ने अपने आप से कहा।
और वो अब और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवा सके, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसे माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो थी नहीं, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी सर, एक्चुअली आपके। यास्मीन ने उसके कपड़े को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी सर। यास्मीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते की बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाले थे? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहें लखपति सिर्फ पॉकेट एफएम पर।